हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी ये द गुप्ता पीरियड का फाइनल लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है तो पिछले दो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि गुप्ता एज के जो डिफरेंट रूलर्स थे वो कौन थे और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे तो उन वीडियोस में मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है यानी भारत का स्वर्णिम इतिहास भारत का स्वर्णिम युग तो ऐसा क्यों है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है तो इसका कारण यह है कि गुप्ता एज के टाइम जो इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी थी वो काफी बढ़ गई थी तो इसके कारण क्या हुआ कि एजुकेशन में भी काफी बढ़ोतरी हुई और जो माइंड था ह्यूमन माइंड था वो एक अलग क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लेवल पे चल गया ठीक है तो एक नए स्तर पे चला गया नए स्तर पे जाने से कई उस समय हमें साइंटिस्ट बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क्स बहुत ही बड़े बड़े लेखक बहुत ही बड़े बड़े कवि इसके अलावा कई मंदिर बने आर्किटेक्चर के नए नए मुकाम पे पहुंचा तो इसीलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तो हम लोग इसे डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होगा कि साइंस टेक्नोलॉजी इसके अलावा मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में मतलब ब्रेक थ्रू एक कह सकते हैं उस टाइम में हुआ कई बड़े बड़े साइंटिस्ट आए कई बड़े बड़े मैथमेटिशियन आए जैसे आर्यभट्टा भास्कर आ और ये सारे गुप्ता एज में ही आए तो ये बहुत ही बड़ा मतलब कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू था साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसके अलावा लिटरे लिटरेचर के फील्ड में कई बड़े बड़े लिटरे लेखक आए कवि आए इसके अलावा प्ले राइटर्स आए उसके अलावा अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जाए तो मतलब जितने मंदिर हमको लगता है गुप्ता एज में बने उतने शायद किसी भी पीरियड में नहीं बने होंगे इतने सारे आर्किटेक्चर मार्वल्स इतने बड़े बड़े मंदिर बने तो इसीलिए और इसे हम लोग इतने सारे मंदिर बने कि इसे हम लोग डिफरेंट टॉपिक में भी पढ़ेंगे ठीक है जो कि वेरियस टेम्पल्स और सुपर्स को डिस्कस करेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि गुप्ता एज के टाइम में जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन था वो एक डिफरेंट लेवल पे चला गया था अभी तक इतने सारे लेखक साइंटिस्ट और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इतना बूम नहीं हुआ था इसलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग आते हैं साइंस मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में तो पहला नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है आर्यभट्ट का जिससे आप सब परिचित होंगे ठीक है तो आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट ने ही जीरो को दिया था ये आप सब जानते होंगे तो आपको या, याद क्या रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम और जीरो ये आर्यभट्ट की ही देन है ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा आपको इनका जो लिखा हुआ किताब है बुक वो याद रखना है और वो क्या है आर्यभम ठीक है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है आपको याद रखना आर्यभटम क्योंकि इन्हीं के नाम से डिराइव है ठीक है इसके अलावा एक और बुक इन्होंने लिखा है जो कि जीरो जो है उससे रिलेटेड है और वो है शून्य सिद्धांत ठीक है तो ये भी याद रखना कोई मुश्किल नहीं शून्य यानी जीरो तो शून्य सिद्धांत आर्यभट्टा का दूसरा बुक हुआ तो अब नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे वारा तो इनके बारे में भी हम जानते हैं बहुत ही बड़े ये एस्ट्रोनॉमर थे और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने में और इन्होंने जो दो बुक लिखी है जो कि बार बार रिपीट होते हैं वो है पंच सिद्धांत और वृहत संहिता ठीक है ये दो बुक आप एकदम मतलब रट जाइए क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं एस एस सीजीएल में ठीक है पंच सिद्धांता और वृहत संहिता ठीक है थर्ड जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो थे ब्रह्मगुप्त ठीक है ब्रह्मगुप्त भी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे इन्होंने उस टाइम में यानी न्यूटन के कई वर्ष पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हिंट किया था ठीक है तो इनका जो बुक था उ, उनका ना, उसका नाम था ये ब्रह्म सिद्धांत ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है ज्यादा मुश्किल नहीं ब्रह्मगुप्त से ब्रह्म सिद्धांत ठीक है और जो फाइनल साइंटिस्ट और या फिर एस्ट्रोनॉमर हम कह सकते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है वो थे भास्करा ठीक है तो आर्यभट्ट भास्करा इन सभी के नाम पे आप देख सकते हैं हमारे जो सैटेलाइट है उनको भी नाम रखा गया है अगर आप जानते होंगे तो तो भास्करा ने जो दो बुक लिखे हैं वो बहुत ही आसान है आपको याद करने के लिए महा भास्करा और लघु भास्करा ठीक है दोनों इनसे नाम से मिलते हुए तो ये चार बहुत ही बड़े नाम थे इसके अलावा भी काफी साइंटिस्ट थे गुप्ता पीरियड में लेकिन ये चार बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और इनके इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखने हैं के पर्स्पेक्टिव से तो ये हो गई साइंस टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की बात ठीक है अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेरी वर्क यानी लिटरेचर की बात में आते हैं तो सबसे पहला बड़ा नाम जो आता है वो है कालीदास जी का तो कालीदास जी से कौन परिचित नहीं होगा सब उन्हें जानता है तो अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क देख लेते हैं ठीक है तो हमने पहले सुंगा पीरियड में भी पढ़ा था कि सुंगा पीरियड के एक बहुत ही बड़े जो राजा थे अग्निमित्रा उनके ऊपर एक प्ले लिखा था एक लव स्टोरी लिखी थी और वो था मालविका का अग्निमित्रा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है मालविका का अग्निमित्र तो ये शुंगा रूलर थे अग्निमित्रा और उनके बारे में कालिदास ने गुप्ता पीरियड में लिखा ठीक है मालविका अग्निमित्रा ये एक प्ले था इसके अलावा अभिजी का शकुंतलम जो शकुंतला की कहानियां आप लोग सब जानते हैं ये भी प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा मेघ दूत जो पोएम है वो एक पोएम है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये तीन आपको याद रखने हैं कालिदास के आ, रिस्पेक्ट से ठीक है तो अब नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूद्रक ने लिखा है मृच चट्टिकम ठीक है तो ये मृत चट्टिकम नहीं है मृत्य चम है ठीक है सॉरी मैं इसे थोड़ा इंप्रूव कर देता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है सूद्रक मृत चकटिकम आपको बिल्कुल ही याद रख लेना है क्योंकि सी, सीजीएल में मतलब कम से कम तीन से चार बार आ चुका है ठीक है बार बार आता है इसके अलावा एक और बुक जो बार बार आता है वो है विशाखा दत्ता द्वारा लिखा हुआ मूद्र राक्षसम ठीक है तो सूद्रक मृत्य चिकम विशाखा दत्ता मुद्र राक्षकम ये आपको बिल्कुल ही एकदम याद कर लेना है ये दो बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये कालिदास के मालविका अग्निमित्रा जितना ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा विष्णु शर्मा भी आप जानते होंगे पंचतंत्र जो कि हम बचपन में पढ़ते थे जानवरों की फेबल्स रहती थी कहानियां रहती थी तो वो इन्होंने लिखी है इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हितोपदेशा वो भी इन्होंने लिखी है ठीक है तो विष्णु शर्मा ये आपको याद रखना और फाइनली जो फिफ्थ थे वो थे ऋषि वत्सायन तो ऋषि वत्सायन के बारे में भी आपकी आप जानते होंगे कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक जो लिखी है वो कामसूत्रा जो सब जानते हैं वो ऋषि वत्सायन ने लिखी है तो वो किस पीरियड में लिखी गई गुप्ता एज में ही लिखी गई है तो इसके अलावा काफी लिटरेचर वर्स लिखे गए हैं लेकिन आपको ये पांच तो बिल्कुल ही याद रख लेना है ठीक है कई और बुक्स हैं जैसे अमर सिंह ने अमर कोश लिखी है इसके अलावा कई और बुक्स भी हैं लेकिन ये पांच जो है बिल्कुल ही आपको याद रखने ठीक है इसमें से सुद्रक का मृच चकटिकम विशाखा दत्ता का मूद राष्ट्र तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा इसके अलावा कालिदास का मालविका निमित्र तो मैंने बताया ही था कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है शुंगा रूलर का तो लिटरेरी वर्क्स में आपको इतना ही पढ़ना है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ठीक है तो हम लोग आर्ट आर्किटेक्चर और जो टेम्पल्स थे उनको एक ही के अंदर पढ़ लेते हैं ठीक है एक ही टॉपिक के अंदर तो मैं अगर सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ाने जाऊं तो घंटे बीत जाएंगे आपको इतने सारे टेम्पल्स बने हैं ठीक है गुप्ता एज में काफी टेम्पल्स मतलब एक लिस्ट दे दूंगा तो मतलब एक पेज आपका पूरा हो जाएगा ठीक है लेकिन वो बात यह है कि वो आपको सारे इंपॉर्टेंट नहीं एस एस सी सी जीव से ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो पढ़ा देता हूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है विष्णु टेम्पल एट देवघर ठीक है तो ये देवघर कहाँ है ये देवघर है झांसी के बगल में ठीक है तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना इसके अलावा ब्रिक टेम्पल एट भेत्री गांव ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट है ये एनसीआरटी के क्लास सिक्स के बुक में भी ये दो स्पेशली uh, मैंशनड है तो इसलिए ये दो आप याद रखें इसके अलावा एस एस सी में भी ये आया है और यूपीएससी में भी आ चुका है ठीक है तो ये दो टेम्पल आपको याद रखने हैं इसके अलावा अजंता और बाघ केव के पेंटिंग्स याद रखिएगा कि मैं केव की बात नहीं कर रहा हूं केव नहीं बनाए गए इस टाइम में लेकिन उसके टाइम में जो पेंटिंग्स की गई है उनकी बात कर रहा हूं ठीक है तो अजंता और बाघ केव एलोरा कीव की मैं बात कर नहीं कर रहा अजंता और बाघ केव याद रखिएगा अजंता और बाघ केव की पेंटिंग्स ठीक है इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीटेडली आस्क होता है ठीक है पूछा जाता है वो है द ग्रेट वो बोर जिसे वराह शिव ये विष्णु जी का वराह अवतार भी कहा जाता है उनकी एक कार्विंग्स की गई है उदयगिरी केव के बाहर उनकी एक मतलब मूर्ति जैसी बनाई गई है रॉक कट ठीक है तो ये जो है आपको बार बार पूछा जाता है ठीक है द ग्रेट बोर या फिर तो वराह की जो मूर्ति है वो उदयगिरी केव के बाहर किस पीरियड में बनाई गई थी तो गुप्ता में बनी थी ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है कि टेम्पल जितने भी बने हैं गुप्ता एज के समय वो शिखर स्टाइल के टेम्पल है ठीक है और जिसमें एक गर्भगृह भी होता था तो आप भी देखते होंगे नॉर्थ में जितने टेम्पल्स होते हैं उनमें गर्भगृह होता है जिसमें भगवान की मूर्ति यानी गॉड्स की इमेज रखी हुई होती है ठीक है गर्भगृह और शिखर स्टाइल का ये मंदिर होता है तो टोटल दो तरह के बेसिकली मंदिर होते हैं भारत में जो साउथ में आप जाएंगे तो वहां द्राविडियन स्टाइल के मंदिर होते हैं और अगर नॉर्थ में आएंगे तो शिखर स्टाइल के मंदिर होते हैं तो शिखर स्टाइल के मंदिर बनते थे गुप्ता एज में ठीक है और द्राविंडियन स्टाइल के जो मंदिर थे वो बेसिकली बनेंगे आपके छोला एम्पायर में जो आगे जाके हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आए तो उसमें दो मीटर का हाई एक, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था भागलपुर से ठीक है भागलपुर जो कि करंटली बिहार में है आपका वहां से दो मीटर हाई एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बुद्धा मिला था ठीक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं इसके अलावा स्तूपा दो इंपॉर्टेंट है कई स्तूपाज बने हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट है वो है मीरपुर खास और रत्नागिरी के दो स्तूपास ठीक है तो ये दो ठो इंपॉर्टेंट है आपके बुद्धिज्म के परस्पेक्टिव से ठीक है लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप अजंता और बाघ केव के पेंटिंग्स ठीक है और इसके अलावा द ग्रेट बोर या फिर वरा ये दो मतलब आपको बिल्कुल ही याद रखना है ये तो रिपीटेडली यूपीएससी में भी आता है तथा एस सी एस एस में भी आता है ठीक है कि ये किस पीरियड में हुए थे ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है हमने जितने रूलर्स पढ़ लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर भी पढ़ लिया तो गुप्ता ए जिसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है तो थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग